नमस्कार बोकारो होमियो चिकित्सा शिविर में किया गया मरीजों को जागरूक, बांटी गई दवाइयां। बोकारो जिले के चास प्रखंड के पिंडराजोड़ा गांव में आज होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित की गई। शिविर में लगभग 200 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य जांच की गई तथा उन्हें दवाइयां भी दी गई। यह शिविर झारखंड फाउंडेशन केंद्र एवं आभा सेवा सदन द्वारा लगाया गया, जिसमें करीबन 200 व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना के खतरा को देखते हुए जो व्यक्ति हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, इसी कारण आज हमने होम्योपैथिक कैंप लगाया है। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया गया। शिविर में विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित मरीजों को जांचोपरांत उन्हें दवाइयां भी दी गई। शिविर का मकसद है कि लोग स्वस्थ रहें। झारखंड फाउंडेशन सचिव जयदेव कुमार व डॉक्टर, तो आप यहाँ पे शिविर लगा के जितने भी मरीज का टेस्ट कर रहे हैं, इसमें आप किस प्रकार का जांच कर रहे हैं? जनरली ऑल टाइप के हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें से ज़्यादा स्किन का, पेट का और जैसे दर्द वाला पेशेंट ज़्यादा मिलता है। अच्छा, तो आप जो ये पे शिविर लगा के जांच कर रहे हैं, इसमें आप कौन सा दवा यूज कर रहे हैं? होम्योपैथी के माध्यम से। ये आपका कौन सा ही संस्था के द्वारा दवा वितरण किया जा रहा है? संस्था हम लोग का आभा सेवा सदन आमतौर काफीचुरिया में जो मल्टी चैरिटेबल डिस्पेंसरी है उसी वहाँ से हम लोग। आपका नाम? डॉक्टर प्रभाष चंद्र मात। ये शिविर लगाया, इसके बारे में आज कुछ बताइए। एक्चुअली ये जो शिविर है वो आभा सेवा सदन जो कि आनंद मार्ग का एक यूनिट है और झारखंड फाउंडेशन केंद्र के सहयोग से यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों का यहाँ पे स्वास्थ्य का जांच किया जा रहा है और फ्री दवा भी दिया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि अभी पूरा दुनिया कोरोना के दौर से गुजर रहा है, तो यहाँ पे जो गांव के लोग हैं उनमें जागरूकता नहीं होने के कारण ये हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं। चूँकि सीजनल चेंज हो रहा है, सीजनल चेंज की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार या अन्य बीमारियाँ भी हैं और वो लोग हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं। तो हमारा ये आभा सेवा सदन और झारखंड फाउंडेशन केंद्र का एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें हम लोगों ने मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया है ताकि गाँव के लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इस कोरोना के काल में। आप इस झारखंड फाउंडेशन केंद्र का क्या? हम इस झारखंड फाउंडेशन केंद्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये जो आज का शिविर लगाया गया, इसमें आपकी क्या भूमिका है? एक्चुअली इस शिविर में हमारी है कि हमारे गांव में जागरूकता अभियान चलाया हम लोगों ने स्वास्थ्य के लेके, चूँकि लोग डरे हुए हैं बाहर मतलब दूसरे हॉस्पिटल्स में जाने के लिए ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए हमारा जो मुख्य पर्पस था कि गांव के लोगों को गांव में ही इलाज मिले इस कोरोना के काल में, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ये शिविर एक दिवसीय है? ये शिविर एक दिवसीय है। अगर ये शिविर सक्सेसफुली कम्प्लीट होता है, अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आने वाले हफ्ता में और भी हम लोग शिविर लगाएंगे। ये निर्भर करेगा आज के मतलब कितने लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। धन्यवाद।